अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आपने कई तरह के कोरमे खाए होंगे, पर आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन जो छोटे साइज़ का हो, और हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून या हसब ज़ायका, नमक हसब ज़ायका, 3 तेज़पत्ते, 2 स्टार एनीस, 1 दालचीनी, 4 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची, 7 लौंगे, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, 1 स्टिक करी लीव का, और एवरेस्ट तंदूरी मसाला, ये बहुत ज़रूरी है, 2 टेबल स्पून, 50 ग्राम कैशूनट जिसे हमने तल लिया था और उसे पीस के अलग रख देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट हम लेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर, 2 टेबल स्पून गार्लिक, 1/2 नींबू लेंगे हम आखिर में ऐड करने के लिए, और 6 से 7 हरी मिर्चें लेंगे साबित, इसे भी हम आखिर में ऐड करेंगे, 1/2 कप हम लेंगे हरा धनिया कटा हुआ, और 1 कप लेंगे हम दही जिसे हमने फेंट के अलग रख दिया है, 1 किलो लेंगे हम टमाटर जिसे हमने बारीक पीस के अलग रख दिया है। सबसे पहले हमने 1 से 1.5 कप तेल लिया है, उसे गर्म कर लिया है अच्छी तरह, और उसमें गर्म मसाले ऐड कर दिए हैं तमाम, और इसमें अब हम अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। इस डिश को आप किसी ख़ास मौके पे भी बना सकते हो। इसे नान और भगारे चावल के साथ सर्व करें। अब अदरक और लहसुन हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें फेंटा हुआ दही शामिल कर देंगे। जब भी आप दही ऐड करें किसी भी चीज़ में तो उसे चम्मच चलाते हुए भूनना है ताकि दही फटे ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब उबाल आने लगे और तेल थोड़ा बाहर नज़र आने लगे तो इसमें हम अपने जो सूखे मसाले हैं वो ऐड कर देंगे, रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले का पानी भी सूखने लगा है और तेल भी ऊपर आने लगा है, इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब मसाला इस तरह दिखाई देने लगे तब हमें इसमें चिकन ऐड करना है। अब मसाले का जो पानी है वो सूख चुका है और तेल भी ऊपर आ चुका है, इस वक्त हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे थोड़ा भी, क्योंकि जो चिकन का पानी है हमें इसे गला लेना है। अब हम चिकन ऐड कर रहे हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हमें इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देना है जब तक कि चिकन गल जाए। 10 मिनट बाद जब आप चिकन चेक करोगे तो वो गल चुका होगा। अब चिकन जो है वो गल चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है, इस वक्त इसमें हमें जो काजू का पेस्ट हमने पीस के रखा था वो ऐड करना है। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब ग्रेवी में उबाल आ जाए तो इसमें हम 1/2 नींबू का रस शामिल कर देंगे। और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना। इसकी जो ग्रेवी है वो कोरमे की तरह होती है, ना ही पतली और ना ही बहुत गाढ़ी। इस वक्त आप इसका नमक वगैरह चेक कर लीजिए। अब इसे ढक्कन ढक के 10 मिनट तक स्लो आंच पे रख दीजिए, जब तक कि इसका तेल बाहर ना आ जाए। 10 मिनट बाद इसमें साबित हरी मिर्चें ऐड कर दीजिए और कटा हुआ हरा धनिया। रेडी हो चुका है हमारा चिकन कोरमा। इसे नान और भगारे चावल के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम।